Hey guys and welcome back to the Pokemon X version। जहाँ पे गए थे पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों गए थे गाइस यार यहाँ पर कैंटो पावर प्लांट में। वहां पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का आउटरेज जो हो रहा था वो हो रहा था। यहाँ पे जो टीम प्लेयर की जो मेंबर्स हैं वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे ज्यादा अपने कुछ जो डिवाइस को यहाँ पर उसकी मदद के लिए। बट हम लोगों ने यहाँ पर वहां से उन लोगों को भगा दिया एंड वो जो यहाँ से भाग गए यहाँ पर। तो बट हाँ यहाँ से जो है वो भी आदमी को जो है वो यहाँ पे जा चुका है। तो यस गाइस यार यहाँ पर अभी हम लोग भी जो है वो यहाँ से सीधा चले जा सकते हैं अपने आगे के सफर की तरफ। तो जी हाँ गाइस यार जैसे कि आप लोगों ने वेट ये कौन है यार से हम लोग को पूरा मुंडी ऊपर करनी पड़ेगा इसको देखने के लिए। ए पोकेमोन द फ्लावर पोकेमोन जो पोकेमोन ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ये क्या था भाई ये तो कली से भी ऊंचा था। सच्ची में यार ये तो कली से भी ऊंचा था। कली के हाइट यार 7 साढ़े 7 पे ये तो यार कसम से 10-12 फुट का आदमी लग रहा था वो। बट फिलहाल के लिए कहते हैं यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो अपने आज का जो टास्क है हमारा यानी कि जिम को चैलेंज करना उसके ऊपर फोकस कर देते हैं। पता नहीं यार वो कौन था। सो जी हाँ कहते फाइनली हम लोग आ चुके हैं इन द लूमियोस सिटी। काफी टाइम बाद आ चुका हूँ यार इस सिटी में। अभी मैं लास्ट टाइम हम लोग ने यार मुझे याद भी नहीं है कब आया था मैं। मैं तुमने के तुम्हारी पीछे भाग रही थी जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम मुझे आगे निकल चुके हो। तुम्हें पता है मैंने सुना ये पावर प्लांट में एक जो लूमियोसिटी है ना कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे अपने फायदे के लिए एंड बट सडनली एक आदमी आया और उसने सबको हरा दिया एंड वो लोग भाग गए। कोई नहीं जानता कि वो कौन था बट वो औसम था। तुम्हें क्या लगता है वो कौन था? मैं ही था वो। सामने जाना है दिस वे सीधा हमको चले जाना है जल्दी से भाग कर आओ प्रिज्म तो प्रिज्म टावर। ओके सो प्रिज्म टावर की तरफ हमें भाग के जाकर देखना होगा यार कैसे वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर चल रही है। क्योंकि कई सर काफी टाइम बाद इस यूनिवर्सिटी में पावर कट की वजह से जो है वो हम लोग इस जिम को भी चैलेंज नहीं कर पाए थे अगर आपको पता होता, वरना तो ये हमारा लिए सेकंड जिम बैच हो सकता था। बट पावर आउटरेज की वजह से हम लोग यहाँ के सिटी को जो है वो चैलेंज नहीं कर पाए थे। बट खैर अभी फिलहाल के लिए हम लोग देखने के लिए चले जाते हैं यहाँ पर क्या है। ओके यहाँ पर क्लेमोंट एंड बॉनी भी है। हे गुड टाइमिंग वो अभी जस्ट लाइट को ऑन करने वाले हैं। हे वो देखो क्लेमोंट वो यूनिवर्सिटी का जिम लीडर भी है। ओके वो अच्छा है इन्वेंटर चीजों को बनाने में और अच्छे खासे डिवाइस को बनाने में। ओके तो दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। ओके तो दोनों इसके दोस्त हैं यार। तुम अब तक हुए अभी नहीं मैंने जस्ट अभी लाइटिंग का सर्किट को चेक किया था। और तुम चले गए सॉरी बट मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। कम ऑन क्लेमोंट। यस यस तो कुछ तैयार है अब फ्यूचर अब है। शुक्रिया साइंस का प्रिज्म टावर की लाइटनिंग सिस्टम एक्टिवेट। मैं बस इस मोमेंट को देखना चाहता हूँ वैसे तो अगर देखा जाए इसलिए मैं शांत हूँ। आई थिंक कि ये अभी ऐसा लग रहा है कि हम सिटी में आ चुके हैं। नाउ मेरे पास एक और मेमोरी है तुम्हारे साथ बिट्टी। एक्सीलेंट मेरी प्रिज्म टावर लाइटिंग काफी ज्यादा अच्छी काम कर चुकी है जस्ट सारी इन्वेंशन की तरह। ओके कुछ भी व्हाटएवर यहाँ पे चैलेंजर तुम्हारे साथ कर रहा है तुम्हें बताओ तो। प्रिज्म टावर भी एक लूमियो सिटी का पोकेमॉन जिम है। ओके क्लेमोंट इन्वेंशंस काफी ज्यादा अमेजिंग है राइट। उसने मुझे पजल सॉल्व करने के लिए दिया था बट वो मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाई इसलिए वो अब तक मैंने नहीं किया। ओके गुड लक जिम के लिए।
ओके यार काफी ज्यादा अच्छी थी यार वो लाइटनिंग अगर देखा जाए तो प्रिज्म टावर की। बट फिलहाल के लोग यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो चले जाने वाले हैं अपने आगे के सफर की तरफ। जी हाँ गाइस यार फाइनली मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि मैंने ऑफ स्क्रीन में ना इस सिटी को पूरा पूरा एक्सप्लोर कर लिया। इसमें आप लोगों को दिखाना चाहता था वैसे अगर देखा जाए तो, बट मैंने सोचा कि कल ना मैंने बस क्या किया ना आज एक शॉर्ट सा टूर लिया है, बट कल आप लोगों को ना यानी कि जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा ना पोकेमॉन एक्स का उसमें मैं आप लोगों को पूरा अच्छा खासा टूर दे दूंगा। फिलहाल ये हम लोग जो है वो यहाँ पर मुझे क्या करना है ना गाइस यार इस सिटी को इस जिम के जो है वो यहाँ पर ज्यादा मुझे अच्छा खासा फोकस जो करना है, दैट इज द रीजन कि मैंने ज्यादा आप लोगों को ज्यादा दिखाया नहीं। सो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो चले जाते हैं इस बैच के लिए। ना कह सकते हो कि अगर देखा जाए तो मेरे पास एक भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो इन परिस्थितियों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि गाइस यार एक भी पास मेरे पास एक भी एक ग्राउंड टाइप या कह सकते हो कि ग्राउंड टाइप मूव नहीं है। बट हाँ हमारे फाइटर के पास बॉन क्लब है जो रॉक टाइप मूव है तो शायद वो हमारे लिए काम आ सकता है। एंड हमारे पास फ्रॉक के पास भी जो है वो स्मैकडाउन है तो वो भी शायद हमारे लिए एक काम की चीज होगी। बट फिलहाल के लिए तो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग न्यू सिटी के जिम लीडर को चैलेंज करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रो टाइप जिम है। सो यस एंड काफी ज्यादा एक क्विज जिम भी है ये अगर देखा जाए तो, ऐसा हमारे फ्रेंड कह रहा है। तो यस मजा काफी ज्यादा आएगा इस फ्रेंड कह सकते कि एक क्विज जिम में देखने के वाली ये बात होगी कि जिम कैसी है। ओके ओ हे ट्रेनर तुम वही हो ना जो हमें पहले मिले थे, तो तुम बैटल के लिए हैप्पी है। वेल अच्छा है तुम मुझे बॉनी कह सकते हो। मैं इससे ओके तुम आगे जाओ स्मॉल स्क्वायर में और तुम्हें कुछ सवालों का जवाब देना होगा अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो। ओके तो सवाल का जवाब देना होगा हमें, सेव कर लेते हैं यार। 1, 2, 3 ऐसे ट्रेनर क्यों पड़े हैं वो मुझे पता नहीं बट वो हमें शायद जल्द ही पता चलेगा। ओके देखते हैं यार सवाल क्या है वैसे। क्विज टाइम ये तो पिकाचू है कोई भी यार, ऐसे में एक आंख बंद कर भी देखूंगा ना पिकाचू तो मुझे पता चल जाएगा। ओके तो थर्ड नंबर का पिकाचू है तो यहाँ पर अभी हम लोगों को थर्ड यानी कि थर्ड जो प्लेयर है शायद उसका और मेरा आंसर अगर मैच करा तो ही शायद वो हमें एलिवेटर को पास आउट होने के लिए मदद करेगा। यार काफी ज्यादा मजा आएगा यार इस क्विज में आगे चलकर कोई अगर हमें हार्ड हार्ड ऐसे क्विज मिले तो। सो ओके सो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो है वो तो कम्प्लीट कर दिया है ऑल्दो, बट अभी भी यहाँ पर काफी सारा और एक क्विज मुझे लगता है कि बाकी होंगे। बिंगो यहाँ पर हम लोगों ने सक्सेसफुल जो है वो यहाँ पे गाइस यार जवाब दे दिया है इस पहले क्वेश्चन का, हम लोग जो है वो यहाँ पर प्रोसीड हो सकते हैं ऑन दी नेक्स्ट फ्लोर। यस पिकाचू है यहाँ पर हम लोगों ने सही है। मैं एक बोला ना मैं कैसे अपनी एक आंखें बंद करके देखूंगा ना पिकाचू का असली ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तो वही पहचान जाऊंगा पिकाचू यार अपना बड़ी है यार कोई नहीं तो कौन ऐसा हर एक आदमी पहचान लेगा यार पिकाचू को इस दुनिया में ऐसी बात है। सो ओके नेक्स्ट क्विज देखते हैं। ओ ये तो फ्लेचलिंग है ये भी मैं पहचान गया यार। वैसे मेरी पोकेमॉन एबिलिटी पोकेमॉन को आइडेंटिफाइबिलिटी काफी अच्छी है ना यार काफी अच्छी हो रही है मेरी पोकेमॉन आइडेंटिफाइबिलिटी। सो यार यहाँ पर ये तो फर्स्ट पे ही था फ्लेचलिंग, इसको भी इसके साथ हम लोग अपना कह सकते हो कि मैच कर देते हैं आंसर। होपफुली ये मैच हो जाए मेरे गलत तो नहीं हूं। ओके डिंग 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 एंड बिंगो। जी हाँ गाइस यहाँ पर हम लोगों का ये भी सवाल जो है वो मैच हो चुका है इसके जवाब के साथ। हम लोग जो है वो अभी आ चुके हैं इन दी थर्ड फ्लोर। जी हाँ गाइस यार चलते हैं अभी सीधा थर्ड फ्लोर पर यानी कि थर्ड क्विज को चैलेंज करने के लिए। ओके देखते हैं अभी इस बार क्या क्विज आती है हमारे पास। पैनसिच था कि पैनपोर था थोड़ा सा बेनिफिट का डाउट आ रहा है यार मुझे, फिर तो मैं पैनसिच के साथ चले जाता हूँ अगर एक्स्ट्रा बैटल भी हो गया तो वो हमारे लिए ही अच्छा रहेगा ताकि मुझे अच्छे खासे यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मिल जाए। बट यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो पैनसिच था कि पैनपोर था। वॉट एवर यहाँ पर देख लेते हैं गाइस। ओके शिट मुझे लगा ही था यार वो पैनपोर है करके यार, थोड़ा सा मुझे गट फीलिंग कह रही थी पैनपोर है बट मेरा दिल कह रहा था कि पैनसिच है। कहता हूँ ना गाइस यार कभी भी अपने दिमाग का सोचो, दिल से जाओगे तो ये देखो यार मेरी वजह से फेल हो जाओगे, मुझे यार फिर से भी एक बैटल करना पड़ेगा। ये पैनबोर है यार पैन पैनसिट पैन
यहाँ पर पैंसर का ना ऐसा कुछ तो शायद उसका फ्लेम है ना वो वही रहता है, बट ये पैनपोर का ऐसा ऊपर का जो है ना वो आप लोगों को अभी पता चलेगा कैसे दिखता है पैनपोर। ये टेने के साथ हम लोग बैटल कर देते हैं पहले तो। ओके तो इस बार हम लोगों का सवाल जवाब शायद मैच हो जाए। बिंगो, यहाँ पर अभी ये भी सवाल हम लोगों का मैच हो चुका है एंड ये है पैनपोर। अभी आप लोगों को यहाँ पर इसकी फोटो दिखाई देगी। यस ये है पैनपोर, यहाँ पर इसको भी हम लोग जो है वो चल कर देख लेते हैं। ओके सो ये शायद हमारे लिए एक लास्ट क्विज है क्योंकि टोटल चार क्विज की बात हुई थी एंड ये हमारे लिए लास्ट क्विज होगा। सो इसको भी हम लोग ओके बटरफ्री, ये कौन है यार? अरे यार ये थोड़ा सा दुविधा में डाल दिया हम लोगों को, मैं कंफ्यूज हूँ यार। पहले तो बटरफ्री है बट दूसरी और तीसरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है एंड आप लोग देख ही सकते हो यार मेरे पोकेमोन्स की हालत क्या हो चुकी है ना इन सब क्विज के चक्कर में, बट कोई बात नहीं यहाँ पर ये सब चलता रहता है। यहाँ पे बैटल के लिए यहाँ पर ओके तो थर्ड वाले के साथ बैटल कर देख लेता हूँ मैं ये। ओके सो मैच हुआ क्या? नहीं यार शायद दूसरा, मतलब कि ये नहीं मैच हुआ ना, मतलब अभी दूसरा वाला ही था। तो यस गाइस दूसरा वाला कर देते हैं बट एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि वो कंफर्म क्या था विविलियन का। विविलियन की बात हुई थी शायद विविलियन, तो वो विविलियन तो होइन वाला पोकेमोन है ना? हाँ शायद ये होइन वाला पोकेमोन है वो। ओके इस बार यस गाइस इस बार हम लोग सही थे, वो विविलियन ये बीच वाला ही सेकेंड आंसर था। कह सकते हो कि यार 50-50 चांसेस हुए मेरे, 50% मैंने अच्छे आंसर दिए 50% रॉन्ग आंसर दिए, तो आप लोग मुझे ऐसे तो जज नहीं कर सकते। सो जी हाँ गाइस फाइनली हम लोग जो है वो आ चुके हैं यहाँ पर सीधा चैलेंज करने के लिए टू द क्लेमोंट। ओके सो लेट्स डू दिस। ओह शुक्रिया तुम यहाँ पे आने के लिए, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, ये है टीम लीडर ऑफ द लोमियो सिटी क्लेमोंट। हाँ तुम देखना जरूर मेरा भाई स्ट्रांग है, एज अ स्ट्रांग एज अ तुमने एक्सेप्ट किया था कि जिम लियोन का जिम लीडर कैसे होगा। बॉनी मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि एक मेरी स्ट्रेंथ नहीं है ये मैटर नहीं करती, ना ही मेरी ट्रेनर की, ये ट्रेनर की जो मैटर करता है वो सिर्फ एक पोकेमोन की स्ट्रेंथ है। एनीवे आई होप कि तुम्हारा ऑसम बैटल हो जाए। ओ यस वो सही है, एटलीस्ट हम अपना बैटल में बेस्ट देंगे। हियर वी गो गाइस, ध्रुति गेमा वर्सेस द जिम लीडर ऑफ द लुमियोस सिटी क्लेमोंट। तो जी हाँ गाइजर यहाँ पर आज अपना इस हफ्ते का सेकेंड जिम आज हम लोग आज जो है वो अर्न करेंगे जाने वाले हैं। सो उसमें इस बार शुरुआत करी है यहाँ पर अपने दे सकते हो कि फ्रॉक के साथ। ओके स्मैकडाउन दे दिया उसने, यहाँ पर मैंने स्मैकडाउन दे दिया था उसने वोल्ट स्विच की मदद से। यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि इस बैटल में अपना फ्रॉक तो इतना ज़्यादा दे सकते हो कि तहलका तो नहीं मचाएगा, बट कोई बात नहीं यार यहाँ पर हम लोग एक और बोन क्लब भी दे ही देते हैं। आई नो वैसे भी मैं डाउन ही होने वाला था तो उससे बेहतर है कि यहाँ पर हम लोग एक मूव देकर ही डाउन हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अपने फ्लेम को जो वो लेकर आ जाता हूँ इस बैटल के लिए। सो लेट्स गिव द फ्लेम बस्ट, होपफुली वन हिट में ही डाउन कर देगा उसे। तो माइटियाना को जो है मैग्नोटन को जो है हम लोगों ने यहाँ पर दोस्तों डिफीट कर दिया है ऑल दो। सो देखते हैं इसका और एक पोकेमोन कौन सा है यहाँ पे। ओके तो शेल जा चुका है लेवल 39 पे। ओ हेलियोलिस, हेलियोलिस के खिलाफ ना मैं यहाँ पर लेकर आना चाहूंगा अपने फाइटर के साथ। देखते हैं यार अभी ये मूव ये पोकेमोन बैटल कैसे वर्क होता है क्या हमारे लिए। शायद वर्क हो गया तो और भी ज्यादा अच्छी बात रहेगी मेरे लिए तो। ओके सो लेट्स यूज द मेगा पावर एंड द बोन रश, देखते हैं यार कैसे जाता है ये बैटल अभी। क्योंकि गाइस अगर ये बैटल अगर मैं जीत लिया तो इस जिम भी को भी हम लोग हरा देंगे एंड विदाउट एनी ग्राउंड टाइप और कह सकते हो कि ग्राउंड या रॉक टाइप पोकेमोन हम लोगों जो है वो यहाँ पर डिफीट करने वाले हैं क्लेमोंट को। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अचीवमेंट रहेगी एंड यस हेलियोलिक्स को मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो डाउन कर दिया है एंड दैट्स इट। ओ इमोल्गा अभी बची हुई है क्या? इमोल्गा को बोन क्लब इस्तेमाल नहीं हो सकता तो इसके खिलाफ हमें जो है वो यहाँ पर फ्लेम को ही लेकर आना होगा। तो फ्लेम के जो है यहाँ पर कह सकते हो कि गाइस फ्लेम बस्ट के साथ ही जाने वाला हूँ, होपफुली वन हिट में ये डाउन कर देगा एंड इसी के साथ जो है वो यहाँ पर मैंने हरा दिया है इमोल्गा को भी एंड जी हाँ हम लोगों ने हरा दिया है जिम लीडर क्लेमोंट को।
यस, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो यार। मेरे भाई तुम हार गए। ओ बॉनी, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि हारना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ग्लैड हूँ कि जब भी मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता है हारने से, एक चैलेंजर की मदद से, जो ऐसा लड़का मुझे साथ बैटल करेगा। नाउ विक्टर ऑफ द स्मॉल द वोल्टेज मैच अब तुम्हारा है। जी हाँ गाइस, इसी के साथ हमें ऑब्टेन हो चुका है इस सीजन का 5th जिम बैच, द वोल्टेज बैच मोर 3 टू गो फ्रॉम नाउ। यस, वोल्टेज बैच हमें रिसीव हो चुका है। यस आई नो, वोल्टेज बैच से अभी हम लोगों की जो लेवल 80 के हमारे पोकेमॉन्स अलाउ करेंगे, एंड इसने हमें जो सक्सेसफुली यहाँ पर एक अच्छी खासी टीएम दी है, जो कि है गाइजर थंडरबोल्ट, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा काम आने वाली है। सो या कह सकते हो कि गाइजर काफी ज्यादा अच्छा खासा दिन गुजरा हमारे लिए आज का, एंड बट इस वीडियो को मैं यहीं पर ही समाप्त कर देने वाला हूँ। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज गाइजर लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। मुझे यार फॉलो कीजिएगा, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो या आज इस वीडियो इतना ही रखता हूँ मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट वीक भी कह सकते हो आप, सीधा थर्सडे को होपफुली ऑफ द पोकेमॉन एक्स वर्जन। बट तब तक के लिए गाइज यार गुड बाय।